हेलो फ्रेंड्स, वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है कि एक्सेल में हम किस तरीके से सेल्स इनवॉइस प्लस जीएसटी हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप परचेस इनवॉइस प्लस जीएसटी एक्सेल में सीखना चाहते हैं किस तरीके से परचेस इनवॉइस प्लस जीएसटी हम क्रिएट करते हैं, तो इससे लास्ट वाला वीडियो पार्ट नंबर 37 आप देख सकते हैं। उसमें परचेस इनवॉइस जीएसटी कैसे क्रिएट करते हैं वो समझाया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि सेल्स इनवॉइस प्लस जीएसटी हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक्सेल आपका ओपन है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ये देखिए, यहाँ पर टैक्स इनवॉइस है, क्योंकि टैक्स मीन्स ये देखिए, यहाँ पर आईजीएसटी, यहाँ पर जो जीएसटी है वो आईजीएसटी यहाँ पर कटा हुआ है, तो इसलिए इसे टैक्स इनवॉइस हो गया। फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल है। जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो आपका कोई गुड्स हो, प्रोडक्ट हो, जो भी आप बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय आपको सेल्स इनवॉइस क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी कंपनी का यहाँ पर नाम आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ K7 कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। पूरा एड्रेस यहाँ पर डालेंगे और एड्रेस पूरा डालने के बाद राइट साइड में यहाँ पर जीएसटी नंबर आ जाएगा, यहाँ कंपनी का सीआईएन नंबर आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा और यहाँ पर स्टेट कोड आ जाएगा। ये जो जीएसटी नंबर है ये आप बीच में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो कंपनी का नेम है, एड्रेस है या जो भी है वो हम लेफ्ट साइड में टाइप करते हैं। और जो आपका ये जीएसटी नंबर, सीआईएन नंबर, कंपनी, पैन नंबर, स्टेट कोड वगैरह, ये सभी हम राइट हैंड साइड में ये टाइप करते हैं, मतलब ये लिखते हैं। इसके बाद सोल्ड टू, आप किसको, मतलब किस कस्टमर को ऑर्डर आया या वो लेने आया, तो किस पार्टी को, किस कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो वो डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा एड्रेस लिखा गया है और ये नाम भी लिखा गया है। तो यहाँ पर ये स्टेट कोड है, यहाँ पर सिर्फ प्राइवेसी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर को हाइड किया गया, बाकी सारा यहाँ पर ओरिजिनल है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर अगर आपने किया है तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ये जो पेमेंट किया है डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से किस तरीके, तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर इस इनवॉइस को पूरा कंप्लीट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, नीचे सीरियल नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, गुड्स है तो गुड्स यहाँ पर डाल लेंगे, जैसे आपका जो भी गुड्स है आपका, मतलब ऑयल हो गया, शुगर हो गया, यहाँ प्रोडक्ट एंड K7 टोटल सिक्योरिटी है, एक साल के लिए, HS नंबर आ गया, एक लिया तो यहाँ पर एक आएगा। यहाँ पर देखिएगा एक ही कितने का है, ये देखिएगा आपका 1270 रुपए और ये 3-4 पैसे यानी 34 पैसे यहाँ पर ये है, डिस्काउंट इन्होंने इतना दे रखा है, तो टोटल आपका यहाँ पर ये पड़ा। तो अगर हम यहाँ पर ये निकालते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये हम निकाल सकते हैं अमाउंट, तो देखिएगा प्रैक्टिकली, देखिए यहाँ पर इक्वल टू बराबर का साइन लगाएंगे और सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो रेट है आपका कितना, ये तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और डिस्काउंट को हम कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस करेंगे और जैसे इंटर दबाएंगे तो देखिए ये आपका 761.87 मींस, अगर इसका राउंड ऑफ करेंगे तो आपका 762 यहाँ पर आएगा। ये देखिएगा इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। एक मेथड और है फ्रेंड्स, किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा। अगर मान लीजिएगा यही डायरेक्ट यहाँ पर आना चाहिए, तो एक्चुअली यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, एक्चुअली किस तरीके से करेंगे, तो देखिए हम जो क्वांटिटी है पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जो रेट है वहां पर क्लिक करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और जो आपका ये डिस्काउंट है यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ही आ जाएगा। अब इससे हम राउंड ऑफ करने के लिए ये देखिए किस तरीके से करते हैं, ये भी मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर जाकर के ये देखिएगा, ये आपका होम टैब पे जाकर के यहाँ पर ये देखिएगा, डिक्रीज डेसिमल पे हम ये क्लिक कर देंगे दो बार, तो देखिए ये 762 राउंड ऑफ हो गया, वो यहाँ पर ये लगा दिया गया है। अगर हम अब एक्सेल में फॉर्मूला यूज क्यों करते हैं, कई बार हम बता चुके हैं जितने भी लास्ट वीडियो में जो कैलकुलेशन है, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाती है, और अगर और भी कोई प्रोडक्ट है तो ड्रैग करें तो ऑटोमेटिक वो भी आपकी कैलकुलेशन क्लियर आ जाएगी, इसलिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पर
ये देखिएगा कि मान लीजिए ये वन है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम टू करें तो देखिए आपका पूरा चेंज हो जाएगा, जीएसटी और टोटल वगैरह पूरा यहाँ पर देखिए आपका चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इसलिए लगाते हैं कैलकुलेशन सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो जाते हैं, वन करेंगे और यहाँ पर फिर इंटर दबाएं तो ये हमारा जैसा था वैसा यहाँ पर आ जाएगा। अब चलिए नीचे चलते हैं और इसी तरीके जो भी आप प्रोडक्ट हैं, जो भी आप कहीं से भी आप परचेज करें और जो कंपनी आपको सोल्ड यानी बेच रही है तो यहाँ पर वो हम 1, 2, 3 डाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए यहाँ पर इससे पिछले वाले वीडियो में CGST और SGST मतलब कटा हुआ था, यहाँ पर IGST। इसका मीन्स क्या, देखिए वहां पर ही मैंने समझाया था, जब भी हम स्टेट को चेंज करते हैं मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, देखिए यहाँ पर ये यूपी है और यहाँ पर जहां से परचेज हमने किया मतलब उन्होंने सेल किया है वो आपका तमिलनाडु, मतलब स्टेट यहाँ पर चेंज हुई है। तो जब भी हम किसी अदर स्टेट से कोई भी चीज परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो वहां पर IGST ही करता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही कटेगा। और अगर हम स्टेट टू स्टेट मतलब जिस स्टेट में है उसी स्टेट में, जिस स्टेट में हमारी कंपनी है उसी स्टेट में अगर हम सेल या परचेज कर रहे हैं तो वहां पर दो चीजें आपकी करती हैं, SGST और CGST, जो हम इससे पहले वाली वीडियो नंबर 37 में बता चुके हैं, तो वहां पर जाकर आप उस वीडियो क्लियर देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से IGST यहाँ पर इसलिए कटा क्योंकि यहाँ पर स्टेट यहाँ पर चेंज हुआ है। तो देखिएगा ये किस तरीके से 137 आया, देखिए प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं और हमेशा हम ये जो टोटल है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 18 लिखेंगे, शिफ्ट के साथ परसेंट लिखेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, देखिएगा यहाँ पर आपका ये आ गया। अब से राउंड ऑफ कर दें, जैसे मैंने बताया एक बार फिर समझिएगा, ये देखिए आपका राउंड ऑफ हो गया। तो 137 मतलब आपने परचेज किया था 762 का और ये जीएसटी आपको देना पड़ेगा, तो टोटल आपका हुआ 899। कैसे, तो देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंटर दबा दें, तो 899 ये इस तरीके से आपका टोटल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम टोटल यहाँ पर करते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर वर्ष में लिख देंगे 899 ओनली। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा और यहाँ पर दिस कंप्यूटर जनरेट इनवॉइस एंड डज नॉट नीड इट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेल्स इनवॉइस को हम क्रिएट करते हैं। अब ये पूरा कंप्लीट आपका बन चुका है, ये फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर ये टैक्स डिटेल यहाँ पर ये शो करेगा पूरा आपका कंप्लीट, यहाँ पर ये टोटल जो भी इन वर्ड्स में लिखा हुआ 899 ओनली, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी जीएसटी वो भी वर्ड में लिख सकते हैं, नहीं लिखना नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे कंपनी का नाम और यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर आपके ये सिग्नेचर आप आ जाएंगे, करना है तो कर सकते हैं अगर फिजिकली लेना है, और अगर ऑर्डर किया हुआ तो नीचे देखिए लिखा हुआ दिस इज कंप्यूटर जनरेट इनवॉइस एंड डज नॉट नीड ए सिग्नेचर। तो फ्रेंड इस तरीके से इस फॉर्मेट को हम क्लियर क्रिएट करते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद अब हमारा ये पूरा इनवॉइस एकदम क्लियर है, तो प्रिंट आउट निकालने से पहले एक बार इसे हम कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे और प्रीव्यू चेक करें कि ये सही है या नहीं। तो चलिए कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स ये देखिएगा एकदम यहाँ पर क्लियर आपका ये आ रहा है। यहाँ से जूम करेंगे, जूम करके देखेंगे, देखिए और आप क्लियर देख सकते हैं, देखिए क्लियर आपका आ रहा है, ये देखिएगा पूरा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस सेल्स टैक्स इनवॉइस को हम क्रिएट करते हैं, चलिए बैक करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।